आज हम नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत साईकड़ा विकासखंड में आने वाली ग्राम पंचायत देवपुर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह से ही जो नागरिक हैं अपना मतदान कर रहे हैं। हम आपको बता दें यहाँ बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर आज सभी जो यहाँ पर जो नागरिक हैं वो उत्साहित हैं। इनका साफ कहना है कि इस बार हम ऐसे प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारे ग्राम और हमारे जो विकास करने वाला जो प्रत्याशी होगा हम उसको चुनेंगे। खबर भारत की टीम एक बार फिर ग्राम पंचायत देवपुर आई हुई थी। आज सुबह से ही जो नागरिक हैं अपने मतदान का जो अधिकार होता है उसको लेकर उत्साहित और दूर से बोले कौन सा ग्राम है ये, गांव कौन सा है, गांव कितने उम्मीदवारों को वोट दी है, काम करे कितनी जगह वोट दी है, बटन से है कि पेपर से, कौन से दबाव तो नहीं दिया किसी, कौन सा ग्राम है ये, कौन सा गांव है, देख कौन है, कितनी जगह वोट दी है आज, कोई परेशानी तो नहीं हुई, किसी ने दबाव तो नहीं दिया, कांग्रेस भाजपा में कौन सी पार्टी सही है, पढ़े लिखे नहीं, अम्मा बताओ वोट डाला है आपने, कैसे उम्मीदवार को चुन रही है, कैसे उम्मीदवार को चुन रही है जो काम करे, काम करे ऐसे उम्मीदवार को चुन रही है, आपका ग्राम देवथोन में उत्साहित है चुनाव को लेकर, उत्साह है, कितने यहाँ प्रत्याशी खड़े हुए, मतलब चार पांच है, सरपंच जी चार, तीन जनपद में, जिला में तो मालूम पांच पांच, उत्साहित है जनता, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे, अच्छे चुनेंगे, काम करने वाला, काम करने वाला, अच्छा अच्छा, भाजपा कांग्रेस में कोई उम्मीदवार है यहाँ पर, उम्मीदवार में लेकिन सामने नहीं, सामने नहीं है, तो इस बार जनता का मूड क्या है, जनता का मूड यही है कि अच्छा सा प्रत्याशी बन जाए, तो आगे सोचेंगे। सामने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में सामने है, क्या नाम है आपका, अभिलाषा जगमोहन पटेल, यहाँ जगमोहन भाई बताएं चुनाव को लेकर कितने उत्साहित है, ये सब लोग अपना बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं और सब लोगों का बहुत ज्यादा उत्साह, अगर आप जीते तो क्या करेंगे, जनता जनार्दन जाएंगे, सबका धन्यवाद करेंगे और जो भी शासन द्वारा प्रशासन द्वारा सुविधाएं हैं उनको सबको बीच में लाएंगे। सतीश तिवारी, कौन सी ग्राम पंचायत है ये, उत्साहित है आप, हाँ बिल्कुल उत्साहित, सरपंच, पंच और जनपद सदस्य और जिला पंचायत, बिल्कुल तीनों, इस बार मूड क्या है जनता का, बिल्कुल जनता रुख में जिला के लिए भाजपा की तरफ जा रही है, अच्छा ऋचा डब्ल्यू स्थापा की, और पंचायत सरपंच पद के लिए जालम सिंह पटेल का चल रहा है यहाँ पर, तो जालम पटेल को आखिर क्यों चुनेंगे, क्योंकि वो उम्मीदवार बढ़िया बेस्ट है, क्योंकि उसको पब्लिक चाहती है और सारी कार्यों को कराने में सक्षम है, सक्षम है, ग्रामीणों को क्या माहौल है, ग्रामीण वर्ष पूरी तरह मतदान करने की सहमति, कितनी वोट है इस ग्राम पंचायत, 854 854 वोट है, प्रत्याशी कितने खड़े हुए, प्रत्याशी अपने यहाँ से तीन, तीन खड़े हुए, चार खड़े हुए, तीन थी, पूरा नाम क्या, सतीश तिवारी, वोट डाल दी, जा रहे हैं, कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे,
बात कर लो तो ठीक है। लाइन बोल दी उससे आए थे मतलब ये क्या आज सरपंच जिला पंचायत पंचायत स्तर के चुनाव है त्रिस्तरीय कितने उत्साहित है आप उत्साहित हैं कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो विकास करे बताओ ये क्या नाम है गुजर पटेल जी कैसे प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे ग्राम धनोरा के आप यानी शिक्षित हैं आप बताएं कैसा प्रत्याशी होना चाहिए प्रत्याशी तो हमारे भविष्य के बारे में सोचे बच्चों का फ्यूचर सोचे शिक्षित शिक्षा मतलब गांव में शिक्षा पे ध्यान दें और अन्य काम में जो अधूरे डले हुए हैं उन पे ध्यान दें गरीबों को भी परेशान ना करें जनता की आम जनता की बातों को सुने ऐसे प्रत्याशी को हम चुनना चाहते हैं। आप नहीं मानते कि आप इतने पढ़े लिखे थे तो आपको प्रत्याशी बनना था नहीं हमारे सीनियर है मतलब हमारे घर में सिर्फ दादाजी खड़े हुए हैं अच्छा इस कारण से हमने चुना है तो इस बार माहौल बहुत बढ़िया है जिला पंचायत में क्या कहना चाहेंगे जिला पंचायत में बहुत जो विकास के लिए आगे रहेगा उसके लिए हमेशा साथ है। जोर से बोले कौन सा ग्राम है तो सरपंच चुनने जा रहे हैं आप जिला पंचायत चुनने जा रहे हैं जनपद सदस्य चुनने जा रहे हैं और पंच चुनने जा रहे हैं कितने उत्साहित हैं उत्साहित हैं आप खुशी हो रही है क्या कैसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं विकास करेगा बताएं भैया उत्साहित हैं कैसे प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं प्रत्याशी को जो विकास करे अच्छा गांव का सभी का ध्यान दे रहे हैं कांग्रेस भाजपा में क्या कहना चाहेंगे दोनों को कहना चाहेंगे जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा कहना चाहेंगे। अच्छा मैंने क्लियर नहीं है अभी किसी का बताएं भैया क्या बताएं साहू जी कैसा प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं बढ़िया विकास के लिए आपके ग्राम में क्या नहीं हुआ अभी अभी सब कुछ अधूरा पूरा हो जाए आप बोलेंगे ऐसा चुने क्या है आपका मलक पटेल जोर से बोले मलक पटेल मलक पटेल कौन सा ग्राम है ये सरपंच प्रत्याशी हैं आप कितनी वोट है यहाँ पर 1100 क्या मूड है जनता का इस बार तो बढ़िया है आप जीतेंगे तो क्या करेंगे तो करेंगे अपन अपना जी अपने मन में है वो करेंगे क्या मन में है बहुत सारी चीजें हैं अब जी कोई नहीं चक्कर होना ही है क्या नहीं किया कोई ने बहुत से काम रह गए हैं तो अगर एक आध काम कौन सा रह गया है बहुत से ये तो रास्ता भी नहीं है और खुद की बातें हैं। अच्छा आवाज वगैरह सबको मिल गए मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो अपन के लिए उत्साहित हैं आप खड़े हुए कि आपकी धर्मपत्नी क्या नाम है उनका करण भाई किरण भाई पूरा नाम बताएं किरण भाई पटेल ग्राम पंचायत खोरी जी बताएं कौन से ग्राम है ये सरपंच चुनाव हो रहा है उत्साहित है आपके ग्राम में क्या कमी है अभी ग्राम में ये कमी बच्चों के लिए स्कूल जाने में नदियाँ उस पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है एक पानी गिरने के बाद बच्चे स्कूल नहीं जाते ये कमी ये कमी महीने टोटल स्कूल बच्चे बहुत कम जा पाते कम जा पाते हैं तो विधायक जी ने कुछ नहीं किया अभी कुछ नहीं किया घोषणाएं सब करते हैं मगर सांसद जी ने कुछ नहीं किया कई बार आ गए हैं आश्वासन दे के चले गए कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं कर रही कुछ नहीं कर रही है आवास वगैरह मिले आवास मिले हैं वो सुई आधे मिलते हैं 50 नाव आते हैं 3 टपरियां मिलती बाकी रद्द हो जाती हैं और जो वृद्धों को जो पेंशन मिलती है उनको आधे आदमों को मिल रही किसी को मिलती नहीं मिल रही है ऐसा हो रहा है 10 वृद्ध हैं तो 3 को मिल रही 4 को नहीं मिल रही रोड नाली निर्माण अभी भी कीच मची हुई है सड़क बन गई है मगर वो सुई आधी बनी पूरी नहीं बनी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हुआ है
पैसा निकाल लिया गया मगर काम नहीं करवाया गया। अच्छा अच्छा, तो इस बार कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो इस गांव का विकास कर सके। विकास कर सके, ऐसी आपकी मांग है ग्राम के नागरिक? जोर से बोले। कौन सी ग्राम पंचायत? आप कहाँ रहते? कितने प्रत्याशी खड़े हुए? तीन। सरपंच जी? जिला पंचायत? जनपद में भी, पंच में भी। कैसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं? कैसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं जो विकास करे, काम करे? मैं राजेंद्र भैया, बताएं कैसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं जी इस बार? बिल्कुल काम करेगा सही, उसको चुनेंगे। चुनेंगे। तुम्हारे गांव में क्या कमी है अभी? कुछ कमी नहीं, सब ठीक। यहाँ सब ठीक है? तो आप कितने प्रत्याशी हैं सरपंच? माँ वोट डालने गई थी आप? वोट डालने गए। बता निशान बताओ आप। आप देख सकते हैं ये वोट डालने बड़ा उत्साहित है। कितनी कितनी जगह वोट दी है आपने? तीन जगह दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन जगह इन लोगों ने वोट दी है। आप लोगों ने वोट डाल दी? बनवारी के हमारे सामने वरिष्ठ नागरिक खड़े हुए हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? जीवन लाल। नमोनी जी, आप बताएं इस बार बड़ा चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, किस तरह के प्रत्याशियों को आप जिताना चाहेंगे? अच्छे योग्य प्रत्याशी जो शिक्षित हों और जो गांव का विकास कर सके। विकास कर सके। तो इस बार क्या क्या माहौल समझ में आ रहा है? अच्छा, उत्साहित है नागरिक? उत्साहित लोग और अच्छे लोगों को वोट दे रहे हैं। वोट दे रहे हैं। नाम आपका जी? गुलजन नाम है। कौन से ग्राम में रहते हैं? सूखा ग्राम में। तो आपके यहाँ मतदान केंद्र नहीं बनाया गया? कितने वोटर होंगे? कम से कम 450 वोट है। 450 वोट है तो मतदान केंद्र नहीं है। कहाँ डालने आ रहे हैं वोट? पाली। पाली कितने किलोमीटर पड़ जाता है? कम से कम 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है। कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है, प्रशासन ने चूक की है। बिल्कुल चूकी है। तो महिलाएं भी पैदल आ रही हैं? पैदल आ रही, जा रही हैं। क्या साधन लगे हैं? नहीं लगे। नहीं लगे तो परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है। मतदान केंद्र नहीं बना।